आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अधिक मतदान कराने के लिए जुटा हुआ है। इसी क्रम में बीएलओ को पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि सभी मतदाताओं को सूची में सम्मिलित किया जाए और संशोधन भी समय से कर लिया जाए। इसी के तहत जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने भी सिटी वन के माध्यम से लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द मतदाता सूची में अपना नाम लोग पंजीकृत करवा लें। पुर में अभी जनवरी से जो है वो जनवरी 19 में किसको भी 18 साल पूरा हो रहा हो वो तो वोटर बनाने के लिए एलिजिबल है, उनका हक बनता है और कर्तव्य भी है एक तरफ से मानता हूँ। और हाल ही में चुनाव अभी आने वाले हैं, अप्रैल में संभवतः उसको पोलिंग होगा और मई तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मैं सबसे अपील करता हूँ, एक तरफ अंतिम दौर चल रहा है इस समय में, ताकि तो मार्च हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्च पहले सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, उसके पहले कितने भी वोटर छूट गए हैं, खासतौर पर जो नया वोटर है उनका अपील करने चाहता हूँ। आप लोग जो वहाँ जो कहाँ वोट आपका आसपास इलाका में जो पड़ता है वहाँ बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर बैठे रहते हैं, कोई टीचर हो नहीं तो कोई ग्राम स्तर का कर्मचारी हो उनसे संपर्क कर लीजिए। वो नहीं मिलता है उनका मोबाइल नंबर मिलता है, उनके माध्यम से आप संपर्क करते हुए फॉर्म नंबर 6 भरा करके आपका एज का एक सबूत दे दीजिए, एक फ़ोटो दे दीजिए, आपको वोटर कार्ड तुरंत बन जाएगा, हम लोग बना के रख लेंगे। इनकेस दूर में कोई रहता है, मान लीजिए विदेश देश में कहीं से भी रहता है, ऑनलाइन के जरिए से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग जो फिर शामिल करते हुए उनका अभी तो आने वाले चुनाव में वोट देने के लिए मौका देंगे। बट किसके नाम वोटर लिस्ट पे नहीं है वो वोट देने के जो एलिजिबिलिटी नहीं बनता है, वोट दे नहीं पाते, वंचित रह जाता है। मैं आपके मीडिया के जरिए से मैं अपील करने चाहता हूँ, कितने ही जो नौजवान वोटर है, यंग वोटर है, कृपया करके इस पे अपने नाम दर्ज करा दीजिए और जो आने वाले चुनाव में ज़रूर भागीदारी लीजिए। उसको भी त्रुटि सही कराने के लिए वो अलग फॉर्म आपका भराना होता है, उसको भरा करके आपको दे देंगे, उसको संशोधन हो जाएगा। मान लीजिए उसका सारा फॉर्म नंबर 6, 7, 8, 8 ये तमाम फॉर्म है जो आप जाकर के बीएलओ से संपर्क करें, नहीं तो तहसील में संपर्क करें, ब्लॉक में संपर्क करें, वो फॉर्म आपको मिल जाता है। आप कारण बताना होता है, फॉर्म किसी के नाम त्रुटि है उसका अलग फॉर्म है, किसी का नाम एक जगह से काट के दूसरे जगह शिफ्ट कराना है उसका अलग फॉर्म है, किसी का